कांग्रेस राज में हिमाचल प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं रह गई हैं। प्रदेश में गुड़िया मामले में सरकार ने जो पर्दा डालने का प्रयास किया है वह शर्मनाक है। ये बात भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे ने मनाली में महिलाओं को पालक बूथ कार्यक्रम में जानकारी देने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। मनाली भाजपा ने महिला सम्मेलन कर चुनावों का विगुल फूंक दिया है। मनाली भाजपा मंडल द्वारा मनाली के सरसई गांव में भव्य महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के माध्यम से भाजपा ने अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिखाया। जिस तरह से महिला सम्मेलन में महिलाओं की भीड़ देखने को मिली उसके सीधे संकेत हैं, प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। मनाली विधानसभा क्षेत्र में तो कांग्रेस पार्टी की राह कुछ आसान नहीं दिख रही है। सम्मेलन में भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र द्वारा चलाई गई सारी योजनाओं की जानकारी विस्तार से दी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में भाजपा 68 सीटों पर जीत हासिल करके सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भ्रष्टाचार के आरोपों में संलिप्त हैं और प्रदेश के आला पुलिस अधिकारी भी गुनहगारों को बनाने में लगे हैं। वीरभद्र सिंह को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां पर महिलाओं को पुरुषों के बराबर सम्मान दिया जाता है और अनेकों महिलाएं केंद्रीय मंत्रिमंडल में मोदी जी के साथ कार्य कर रही हैं। आज हम भारतीय जनता पार्टी में बहनों को बहुत सारा स्थान मिला है और सबसे बड़ी बात है कि आज हम एक ऐसे दल के सदस्य है जिसकी सदस्य संख्या केवल भारत देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में हम सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं। 11 करोड़ से ज्यादा की हमारी सदस्य संख्या है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और 11 करोड़ की सदस्य संख्या के साथ आज हम सबसे बड़े राजनीतिक दल कहलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज हम उस दल के सदस्य हैं, ये हम बहनों के लिए गौरव का विषय है। 70 साल में इस देश में पहले हुए हैं और 70 साल में इस देश में बहुत कम समय भारतीय जनता पार्टी को शासन करने का अधिकार मिला है, लेकिन 70 साल में ज्यादातर समय कांग्रेस पार्टी ही राज की है। कांग्रेस पार्टी ने जो किया है वो कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में देश को जहां खड़ा करना था वहां खड़ा नहीं किया है। 70 साल में हम लगातार पीछे रहे और मैं बहुत लंबा नहीं बात करती, 3 साल पहले चलिए, 3 साल पहले इस देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार एक वहां पर प्रधानमंत्री हुआ करते थे। वो प्रधानमंत्री बोलते हैं या हंसते हैं, उनको हंसते और बोलते देखने के लिए हम लोग तरस जाते थे। सम्मेलन को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह देखने को मिला और लगभग 5,000 के करीब में महिलाओं का एकत्रित होना सत्ता परिवर्तन का संकेत देता है। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट।